ओरिजिनल टोनर की पहचान, यहाँ पर ये देखें, ये लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ जापान, यहाँ पर ये लिखा होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ देखें, ये सी ए टूनर है, इसमें किसी किस्म का जहाँ देख सकते साइडों पे स्क्रू नहीं लगा हुआ, रीफिल करने के लिए यहाँ किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे इसको रीफिल कैसे कर सकते हैं, उस हाँ इसको आप रीफिल भी कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जस्ट आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि ये ओरिजिनल है, यहाँ पर देख सकते ओरिजिनल की निशानी ये है कि इसमें किसी किस्म का कोई भी स्क्रू नहीं लगा होता है रीफिल करने के लिए, और प्रोडक्ट ऑफ जापान यहाँ पर लिखा होता है। जब भी आप लोग नया प्रिंटर वगैरह ख़रीदें तो उसके साथ चेक कर लें कि जो टूनर है वो ओरिजिनल है या फिर कॉपी है, क्योंकि वो एक्सचेंज, ये टूनर एक्सचेंज भी हो जाता है। तो अगर आप समझ ये है वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मज़ीद इसको रीफिल करने का तरीका आप जो है वो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।